नेपाली फूड है मोमो, लेकिन हर रोज नेपाली लोग मोमो नहीं खाते, क्योंकि सबका सवाल यही रहता है क्या तुम लोग नेपाली लोग मोमो खाते हो हर रोज। तो आज मैं बना रही हूँ परफेक्ट नेपाली तरीके से मोमोज। जैसे पहले मैंने चिकन को कीमा बनाया, उसके में डाला प्याज, धनिया की पत्ती, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, सोया सॉस एंड ब्लैक पेपर, थोड़ी सी विनेगर डाल के अच्छे से इस फिलिंग्स को बना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ आटे में डाला नमक एंड चीनी, उसको अच्छे से डो बनाया और ढक करके मैंने बस 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया। तब आपस में ना नमक चीनी वो मिक्स हो जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी स्टीम होती है मोमो। तो यहाँ पर मैंने इक्वल इक्वल शेप में काटा, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनती है, मोटी पतली नहीं होती। फिर मैंने फिलिंग्स को भरा एंड इस तरह से लिप शेप में मैंने अच्छे से मोमो को फोल्ड किया। आप चाहो तो जिस भी शेप में दे सकते हो, मुझे ये वाली बहुत ही अच्छी लगती है, इजी लगती है। फिर मैंने नीचे में रख दिया स्टीम करने के लिए सूप, इसके ऊपर में डाला स्टीमर में मोमो, वो बहुत ही परफेक्ट तरीका लगता है। अंदर में सूप भी बनते रहता है और मोमो भी स्टीम हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी आइडिया है जिसने भी ये निकाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटो को डाला बॉइल्ड करने के लिए और सूखी लाल मिर्च, जब तक मोमो स्टीम हो रही थी तब तक मेरी चटनी बन चुकी थी। मैंने थोड़ी सी उसमें धनिया पत्ती एंड लहसुन एंड नमक डाला, बस इसका पेस्ट बना लिया। बहुत ही ईजी चटनी रेसिपी है, तीखा एकदम लाल चटनी जो मोमो वाली खाते हो। मेरी परफेक्ट लाल नहीं हुई क्योंकि मैंने कस्तूरी वो वाला होता है ना सूखा लाल मिर्च, मैंने वो नहीं डाला था। यहाँ पर मोमो स्टीम होने के बाद मैंने स्टीमर से मोमो निकाल के स्टीम किया, वही मोमो में क्या बोल रही हूँ, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। यहाँ पर डाला लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी सॉस में नमक भी डाला था, उसमें डाला चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस। ये मैं ओनियन ग्रेवी वाली मोमो भी बना ली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, ये वाली भी ट्राई करना। मैंने स्टीम वाले मोमो और ये ग्रेवी वाले भी मोमो एंड सूप चटनी सब घर में बनाया और बहुत ही ईजी भी बन जाती है। सिर्फ वो पूड़ियाँ बनाने में टाइम लगती है, कोई बात नहीं, अगर घर में बनाओगे तो भर भर के खाओगे। मैंने 10 से 15 मोमो खा ही लिए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आप बनाओगे रेसिपी ये वाली ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में लिखना, और ये परफेक्ट तरीका है नेपाली स्टाइल में मोमो बनाने का।